ऋतिक रोशन के फैंस को इस साल एक मस्त और धमाकेदार सरप्राइज मिलने जा रहा है। खबर है कि ऋतिक रोशन अपने 25वें प्रोजेक्ट HR25 के तौर पर इन गर्मियों में विक्रम वेधा की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। साउथ की मशहूर फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी एडॉप्टेशन में ऋतिक के अलावा दूसरा रोल सैफ अली खान द्वारा प्ले किए जाने की खबरें आ रही हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक इस फिल्म में एक खूंखार गैंगस्टर बनने वाले हैं। ये वही रोल है जो ओरिजिनल फिल्म में विजय सेतुपति ने निभाया था। साउथ में बनी ओरिजिनल विक्रम वेधा में विजय सेतुपति के काम को काफी सराहाया गया था। ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी बल्कि इसकी कहानी और इसके ट्रीटमेंट को क्रिटिकली भी काफी अक्लेम किया गया था। ऋतिक के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फिल्म में विजय सेतुपति से उलट अपना एक अलग ही किरदार बनाने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ साथ अपना वजन कम करना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हिंदी में बन रही विक्रम वेधा के लिए ऋतिक फिजिकली एक नया ही रूप ट्राई करने जा रहे हैं। ऋतिक ये चाहते हैं कि इस फिल्म को उनके ग्लैमरस रूप के लिए नहीं बल्कि किसी भी किरदार में ढल जाने वाली उनकी सुपर डुपर एबिलिटी के लिए देखा जाए, और इसके लिए ऋतिक अपने कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज और ओरल लैंग्वेज पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि साउथ में बनी इस फिल्म का नाम तो विक्रम वेधा था, लेकिन हिंदी में इस फिल्म का नाम जाहिर तौर पर बदला जाएगा। वैसे भी ये ऋतिक का गोल्डन जुबली यानी कि 25वां प्रोजेक्ट होगा, लिहाजा वो भी इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। पहले की खबरों के मुताबिक इस फिल्म में ऋतिक के साथ आमिर खान को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन पोस्ट कोरोना शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाने की वजह से आमिर खान अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और उन्हीं की जगह अब इस फिल्म में सैफ अली खान को कास्ट किया गया है। आप क्या सोचते हैं ऋतिक के सुपर डुपर प्रोजेक्ट के बारे में? जरूर बताइए हमें अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।